Here we have the pool and this little cute cottage is ours for the night. Let me just give you a room. There is a view. Dekho. Oh my god. Pura beach view dikhta hai and pool view dikhta hai hamare room se. Hi guys, welcome to my YouTube channel, The Girl Next Door, and welcome to the next part of Kerala vlog. So, कल के ब्लॉग में आपने देखा दैट वी वर इन एलिपी और आज हम लोग एलिपी के हाउस बोट से चेकआउट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू वारकला. अभी हम लोग बोट में ही हैं. वी आर वेटिंग फॉर आर ड्राइवर भैया टू कम. अभी वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. दिस वॉज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर अस. बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही रोमांटिक था. कल हम लोग ने बहुत मज़े किए. अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके अभी देख लो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. And now I'm going to start another vlog. और आज हम जा रहे हैं वारकला. It's 9 AM right now और वारकला यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर. वारकला is a beach location, तो we are excited about the beach. I hope गर्मी ज़्यादा ना हो. But yeah, this is my outfit. I will show you my outfit once we reach there. अभी तो मैं पूरा ready हो गई हूँ. Yeah, so without further ado, let's just start this vlog of going to Varkala in Kerala series. Let me just give you a room. This is our room. Just as you enter, you have this cabinet, shoe rack के लिए and बाकी luggage के लिए ये है. And enter करते ही on the left we have a cupboard, big cupboard like this, जिसमें safe भी है और ये सब है. And then towards the right we have the washroom. Hi, this is the washroom. Pretty much basic, nothing out of the ordinary. Next, just as you enter, side में एक और side table desk है, shoe rack के लिए, milky pa luggage here. And then this is our room. Yeah, the iron table, side table lamps and the bed, the basic. We have the TV and this is the mini bar. So let me just show you. ये है हमारा mini bar जहाँ पे अल्कोहल भी है एंड पानी एंड ड्रिंक्स हैं. सो उसके बाद ये हमारा टी कॉफ़ी स्टेशन है. नेक्स्ट अप वी हैव द ड्रेसर, द ड्रेसिंग एरिया. इट्स मी, हाय. एंड माय फेवरेट पार्ट हैज़ टू बी दिस. दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट. देयर इज़ अ सिटिंग एरिया बिल्कुल. एंड आपको पता है इसका व्यू देखो. ओ माय गॉड, पूरा बीच व्यू दिखता है एंड पूल व्यू दिखता है हमारे रूम से. आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर. दिस इज जस्ट सो अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग. एंड दिस इज आवर होल रूम. सो ये हमारा हो गया रूम टूर. सो गाइस, वी हैव मेड इट टू वारकला एंड ओ माय गॉड, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की, मजा आ रहा है. आई रिग्रेट के हमने सिर्फ एक दिन का स्टे लिया यहाँ पे, बिकॉज द रूम होटल इज ऑसम. एंड जो हमारा व्यू है ना हमारी विंडो से, ओ माई गॉड, वो अमेजिंग है. वी गॉट द पूल व्यू एंड द बीच व्यू. आपने पूरा रूम टूर देखा होगा अभी. सो इट इज जस्ट अमेजिंग, वाओ, एकदम मजा आ रहा है. अभी तो हम लोग पहुंचे, 2 बज रहा है अभी. एंड वी आर जस्ट थिंकिंग थोड़ी देर हम चिल करते हैं अभी, उसके बाद थोड़ा सा शाम होगी तब हम जाएंगे पूरा बीच क्लिफ और ये सब एक्सप्लोर करने के लिए. So that's the plan, that's the vibe right now. Or yeah, good, feeling good. देखो पूल बंद हो जाता है 7 बजे बिकॉज द क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. तो इट विल शट डाउन एट 7, बट वी कैन स्टिल मेक यूज ऑफ इट. वील सी हाउ वी कैन वर्क इट आउट, लेट्स जस्ट सी. ओके, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वी हैव फाइनली स्टेप्ड आउट एंड अभी हम लोग कुछ खाने का देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसा बीच है, कहाँ तक है, कौन सा क्लिफ है एंड एवरीथिंग. And maybe we'll get some photos and then we'll come back and get into the pool. वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, धूप जा चुकी है एंड अभी बारिश भी हुई थी बट अब बारिश नहीं हो रही है, बस धूप जा चुकी है. सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग राइट नाउ. We're just exploring. We are going on the cliff. अभी हमने बीच देखा, बीच में जाने नहीं दे रहे, विच इज़ अ बमर बिकॉज मुझे जाना था पानी में बट टाइड्स बहुत हाई हैं तो इसीलिए. सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग.
the North Cliff and let's see how it is. चक्कर में ना तो हम सनसेट देख पाए एंड ना स्विमिंग कर पाए बिकॉज हमारा प्लान था एक घंटा हम क्लिफ एक्सप्लोर करेंगे एंड एक घंटा हम स्विमिंग करेंगे. बट हमारी जो कैब वाले भैया थे उन्होंने ऑलरेडी पार्क कर दिया था. क्या? अच्छा, उन्होंने ऑलरेडी पार्क कर दिया था तो हमें पैदल आना पड़ा पूरा 2 किलोमीटर. उस चक्कर में गॉट लेट स्विमिंग के लिए, हमें सिर्फ 10 मिनट मिले. बट टुमारो विल डू इट. अभी एक घंटा हमने आराम किया है. नाउ अगेन वी आर गोइंग, आई थिंक नीचे से अगेन वी आर गोइंग फॉर डिनर. क्लिफ पे जा रहे हैं दोबारा. सो बट इट वॉज ब्यूटिफुल, द बीच वॉज इज ब्यूटिफुल. पूरा ब्लू पानी है, अरेबियन सी एंड द वाइब इज रियली नाइस. अभी हम फिर लंच डिनर करने जा रहे हैं. मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है हर 5 मिनट. के लिए निकल जाएंगे. सो द ब्रेकफास्ट बुफे इज लाइक रियली नाइस एंड फैंसी. आई विल शो यू एवरीथिंग क्या क्या है. बट और मैंने क्या लिया है मैं वो भी दिखा देती हूँ. नाइस एंड इट्स गुड टू हैव लाइक ब्रेकफास्ट विद अ व्यू. सामने हमारा पूरा यू नो वारकला बीच है, पानी है. तो वी आर जस्ट हैविंग दिस एंड आई एम वेयरिंग दिस काफ्तान सेट ओनली बिकॉज हम कायाकिंग करेंगे तो मुझे कुछ कम्फर्टेबल ही चाहिए था, ईजी ब्रीजी सा, बिकॉज इट विल बी अ 2.5 आवर्स एक्टिविटी इसीलिए. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आर ब्रेकफास्ट एंड जस्ट लीव नाउ. ग्रेप जूस, पपाया स्मूदी, वाटरमेलन, म्यूजली, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, बनाना, फ्रेश फ्रूट्स. आई हैव फ्रूट्स, जैम एंड पिकल्स, ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड. व्हाट इज दिस? ओके, उपमा एंड बड़ा. मैं दो बड़ा उपमा, इडली, कोकोनट चटनी, सांबर, करी, पटेटो भाजी, बेक बीन्स और राजमा. व्हाट एल्स? पटेटो, वेजेस एंड बनाना फ्रिटर्स, चिकन सॉसेज एंड बॉयल एग. ठीक है, आई हैव टेकन फ्रूट्स. दिस इज मफिन, मेदू वड़ा, उपमा एंड पटेटो वेजेस एंड ग्रेप जूस एंड पपाया स्मूदी एंड हिज इज म्यूजली एंड मिल्क. ये एग भी है और सब कर लेना ऑप्शन में. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन. आई हैव एडेड सांबर एंड चटनी एंड माय डोसा इज कमिंग. मीनवाइल ही हैज ऑर्डर्ड ऑमलेट. ब्रेड भी है, सिर्फ ऑमलेट खाओगे? ओके, डोसा इज कमिंग. Leaving now and saying goodbye to this view of ours. अभी पता नहीं कुछ पूजा वूजा होती है बीच पे सुबह, वो चल रही है. बट बाय बाय रूम, या दैट्स मी एंड बाय बाय टू द अमेजिंग सिटिंग एरिया एंड दिस बेड. सो चेकिंग आउट नाउ. ये पबजी शूटिंग गेम है सब.
So the weather here is so good. Hawa chal rahi hai bahut achhi. And I can see the backwaters. And unhone humse consent form sign karaya hai. Matlab, and we can get down in the water and swim also. So I'm excited about that part. Abhi na, if we to get clothes, matlab, if we mujhe apne shorts denge and t-shirt denge, because I think that is suitable. Oh, barish ho rahi hai. I think that is more suitable than this, because he said that we'll get wet. So अच्छा है that he's going to bring his shorts and t-shirt. Of a life jacket पहन के हम लोग swim वो करेंगे kayaking and swim and oh I'm so excited. See it's raining and we'll swim in this water for like 2.5 hours. Hi guys, so we have finally made it to Kovalam. काफी देर हो गई आते आते and yeah, so काफी tired भी feel कर रहे हैं हम लोग but it's good. The hotel, the resort is very nice actually, very close to nature. हमारा villa actually and it is close, बिल्कुल सामने है swimming pool के and like so happy about it. Let me just give you a room tour of our villa now. This is the hotel and these are like small cottages. ये नीचे जाने का रास्ता है. Here we have the pool and यहाँ से भी जा सकते हैं. And this is our way to the villa. So this is the villa. ऊपर से भी जा सकते हैं. And this little cute cottage is ours for the night. तो ये है. And ये छोटा सा garden है. And now I'll just show it to you. चप्पल बाहर उतार के. So just as you enter, यहाँ पे sitting area है छोटा सा. And that's me. ये dressing area है. That's the bed. वो छोटी अलमारी, TV and Iffy is watching some TV. And this is the washroom. Oh right. The washroom, the basic stuff. And this, look at the ceiling. It's all cottagey vibe and really nice. Ye headboard pe dekho kitna acha diya hua hai. Nice. And the painting and everything. So this is our, and ye hamara room se view hai. This is our very own garden. And yes, all ready and set. Wearing a skirt and a top जो कि मैंने crop कर लिया है. And we are 6 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं explore करने Kovalam को. I think lighthouse बंद हो चुका होगा अब तक. But we'll see the beach and everything and I'll just take you around. So we're just taking this one. Oh, we have a little bridge. हाँ? नहीं नहीं. मैं ये लेके आई थी इफ्फी के लिए. इफ्फी टैन हो चुके हैं, फ्लॉन्टिंग द वेकेशन टैन. अभी तक हम लोग टैन नहीं हुए थे बट आज का कायाकिंग जो था ना बड़ा ख़तरनाक था, उसके बाद हम लोग टैन हो गए. एंड दिस इज, हम लोग ना एक्चुअली -1 पे हैं. दैट्स द रिसेप्शन. दिस इज द एंट्रेंस. द एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है. ओ, यहाँ पे झूले भी हैं.
आर कमिंग, आ रहे हम। हेलो, हाँ हाँ आ रहे आ रहे। अभी हम खा रहे सिंगदाना एंड नाउ वी हैव बुक्ड आर मसाज स्पा, आयुर्वेदिक मसाज। हमारे होटल के पास ही है तो हमने सोचा है कि पहले वो करा लेते हैं। लुक एट दिस, इज़न्ट इट सो प्रिटी, रियली प्रिटी। वो करा लेते हैं उसके बाद मतलब टहलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सनसेट तो हो चुका है, अब बस शॉप्स ही है एंड डिनर करना है। सो वी विल गो इन फॉर अ स्पा फर्स्ट एंड देन एक्सप्लोर मोर। तो अब उसके लिए जा रहे हैं, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। क्यों बहुत बड़ा है? हाय गाइस, सो आज हमारा लास्ट है, अब हम लोग चेकआउट कर लेंगे 10 बजे। बट राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। आज क्या है, जूस खत्म हो गया क्या? सेरेलैक मिल्क, फ्रूट्स, ब्रेड बटर जैम, टोस्टर, व्हाट इज दिस, पूड़ी, सब्जी एंड दैट्स अ जूस। सब्जी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है, हमें हम पूड़ी सब्जी खा रहे हैं पेट भर के। सो वी हैव फाइनली मेड इट टू द ट्रेन और अभी हम लोग बैठे हैं ट्रेन में, केरला एक्सप्रेस, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ 2-day-long जर्नी। आई एम वेरी नर्वस अबाउट इट, मतलब 2 दिन हमें लगने वाले हैं पहुँचने में। आज 10th है, 12th को हम लोग पहुँचेंगे मथुरा, मथुरा से देंगे अलीगढ़। आई एम प्रीटी नर्वस अबाउट इट, मैंने ना इससे पहले कभी इतनी लंबी जर्नी नहीं करी है। मैंने मुंबई टू मथुरा करी है, बट वो भी 1 night की होती है, 1 night करी है मैंने जर्नी मैक्स, मतलब काफ़ी इस पॉइंट तक हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड जस्ट वी वांट टू गो होम नाउ। एंड मुझे लगता है थकन उतरने में भी अभी 2-3 दिन तो लग जाएंगे, और ऐसे ऐसे उतरने में भी, क्योंकि एक दिन के सफ़र में जब घर पहुँचो तो लगता है अभी भी हिल रहे, तो 2 दिन का तो क्या ही होगा। बट ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रिप, इट वॉज एक्चुअली रियली ग्रेट, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत कुछ देखा इन 6 दिनों में। वी सॉ द माउंटेन्स, वी वेंट टू द हिल स्टेशन, वी सॉ द बैक वाटर्स ऑफ केरला, पूरा मतलब क्रूज वाला फील आया, हाउस बोट वाला एक रात का, एंड देन हमने बीचेस एक्सप्लोर किए। आई थिंक हमने सब कुछ देख लिया, फ्रॉम द माउंटेन्स टू द बीच, एवरीथिंग इन दिस ट्रिप। एंड माई हाईलाइट हैज़ टू बी डेफिनेटली द बैक वाटर्स, बहुत अच्छे थे। मुन्नार के टी गार्डन्स बहुत अच्छे थे, एंड यू नो जो वारकला एंड कोवलम जो रिलैक्सिंग रिजॉर्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। सो एवरीथिंग वॉज गुड। मैंने शॉपिंग करी है फॉर गिफ्टिंग पर्पस, गिफ्ट्स के लिए सबको, तो वो मैं अलग ब्लॉग में डालूंगी। एंड यार केरला काफ़ी अच्छा था, एज आई टोल्ड यू, मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किया था तब आई टोल्ड यू दैट एवर सिंस आई वॉज इन कॉलेज आई वॉन्टेड टू यू नो विजिट केरला एंड गो ऑन अ टूर, एंड फाइनली इट हैपेंड and I'm so happy for that, alhamdulillah, it was really really good. I will put down all the details, मैं किसके through गई थी, the tour operators was GoJio, मैं उनके through गई थी, and मैंने I discovered them through Instagram, मुझे पता नहीं था that GoJio here is a very big company, they are very big tour operators. My tour operator was Jinsi, she was so kind, so helping, मैंने इतने calls किए, मेरे इतने doubts थे, उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही क्लियर किया, मुझे हेल्प किया, मेरी पर्सनलाइज्ड आइटिनरी बनाई, बिकॉज जो
जो स्टैंडर्ड प्लान होता है वो होता है मुन्नार टिकड़ी एंड एलिपी, बट हम लोग ने किया मुन्नार एलिपी वारकला कोवलम. सो शी हेल्प मी विद एवरी स्टेप कि यहाँ कितने दिन स्टे करना ठीक है, यहाँ कितने दिन सही है, ऐसे वाला. सो शाउट आउट टू गोजियो, शाउट आउट टू माई टूर ऑपरेटर एजेंसी, मैं उनका नंबर दे दूंगी नीचे. एंड आर ड्राइवर ऑल्सो अक्षय भैया वॉज सो सो गुड, ही वॉज सच अ जेंटलमैन, सो काइंड एंड सो, मतलब बहुत उन्होंने हमें बहुत हेल्प की शॉपिंग वाइज भी कि आप यहाँ से ले लो. दे स्टॉप वेन एवर वी हैड टू यू नो कुछ भी स्नैकिंग, एंड ही वॉज सो पेशेंट, आराम से उन्होंने हर जगह रुके हमारे लिए, वेट किया हमारे लिए, और बहुत ही पोलाइटली हर चीज कन्वे करी. सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस विद गोजियो वॉज अमेजिंग. आप अगर कभी केरला आओ तो डेफिनेटली डेफिनेटली गोजियो को ही करो, बिकॉज देर वॉज नो स्कैम. मुझे डर लग रहा था कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो, बट देर वॉज नो स्कैम. जो उन्होंने दिखाया था मुझे उससे इनफैक्ट बहुत बेटर ही मुझे मिला. सो दैट वॉज अ प्लस पॉइंट, बहुत ज़्यादा अच्छा था, कुछ भी स्कैम इन्वॉल्व नहीं था. आपने हमारी हाउस बोट भी देखी कितनी अच्छी थी, सारे हमारे रिजॉर्ट्स कितने अच्छे थे, एवरीथिंग वॉज गुड गुड, अमेजिंग एक्सपीरियंस विद गोजियो. सो डेफिनेटली इफ यू आर कमिंग टू केरला, डेफिनेटली गो वाया गोजियो ओनली. दिस वॉज आर जर्नी, दिस वॉज आर व्लॉग टू केरला. इट्स अ रैप फॉर द केरला व्लॉग सीरीज एंड आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आपको पसंद आया यू नो व्हाट टू डू, गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दो यार वीडियोस को, कुछ नहीं जाता है, एंड सब्सक्राइब, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यू विल बिकम पार्ट ऑफ माई फैमिली. एंड या शेयर कर दो किसी के साथ जिसके साथ आपको जाना है केरला, या यू थिंक दैट इट माइट बी यूजफुल फॉर देम ये वीडियो सीरीज. एंड मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए.